सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज यार हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही प्यारा गिटार लेसन और सबसे ईजीएस्ट चैमस से, बिकॉज ये एक सिंगल पैटर्न सॉन्ग है जो आज हम करने वाले हैं। सो बेसिकली गाने का नाम है तू है कहाँ। सो इंटरनेट पे हमारा यार काफ़ी अपलोड हो रहा है, वायरल हो रहा है, काफ़ी अच्छे इसके मतलब स्ट्रीम्स हैं और गाना अच्छा है काफ़ी। मतलब एक रैप तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एक फॉर्म में, जिस फॉर्म में गाया गया है। सो आई रियली लव द वे कि उसको कैसे एकदम से लगातार उस गाने को इस तरीके से गाया गया है। सो उसको यार गिटार पे कवर करेंगे। गिटार पे गाना सॉफ्ट बहुत रहेगा, कहीं पे हमें फालतू इसमें स्ट्रमिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा अप डाउन्स कुछ नहीं करने, बस फिंगर प्लकिंग करनी है। बेसिक रूल गाने का क्या है कि जो भी आप कॉर्ड प्ले करोगे उसका आप रूट नोट प्ले करोगे, ठीक है। सो रूट नोट प्ले करके उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट में इसका प्लग दे देना, लास्ट स्ट्रिंग का, और फिर उसके बाद कॉर्ड चेंज कर देना। तो यही एक सिंगल इसका रूल है जो इस गाने का होने वाला है। और कॉर्ड्स इस गाने में हमारी क्या रहेंगी, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। तो कॉर्ड सिखाऊंगा, फिर स्ट्रमिंग, और फिर हमारा आएगा गाने की तरफ। सिंगल पैटर्न सॉन्ग है तो गाने में बहुत ज़्यादा इसमें चलेगा नहीं, बिकॉज एक एक लाइन पर मैं सेम चीज़ बार बार कैसे सिखाऊंगा। सो आई वुड जस्ट से कि हाँ मैं आपको थोड़ा बहुत साथ साथ प्ले कर दूंगा, और कॉर्ड्स ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड होंगी तो आप उससे फिगर आउट कर पाओगे, बिकॉज सिंगल पैटर्न गाना है, एक ही कॉर्ड का पैटर्न पूरे गाने को फॉलो करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द कॉर्ड्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर हमारी आती है कॉर्ड्स की बात, तो कॉर्ड्स हमारी यार इसमें यूज़ हो रही है क्या, केपो लग जाता है फर्स्ट फ्रेट पर। तो केपो फर्स्ट फ्रेट पर लगने के बाद हमारी कॉर्ड्स इसमें चलती हैं सी मेजर, ठीक है। सी मेजर से में गाना है, तो सी मेजर के बाद हमारी सेकेंड कॉर्ड इस गाने में रहती है जी मेजर, ठीक है। थर्ड कॉर्ड हमारी रहती है ए माइनर, और फोर्थ कॉर्ड एफ मेजर। सो सी जी ए माइनर एंड एफ मेजर, सो ये हमारी कॉर्ड्स है इस गाने की, और बहुत ही बेसिक गाना है। तो इसको फटाफट से रैप अप करते हैं कैसे। अब देखो बात आती है स्ट्रमिंग की, तो मैं सबसे पहले क्या प्ले करूँगा, रूट नोट। रूट नोट यानी जो उस गाने का, जैसे सी मेजर का सी होगा, जी मेजर का जी होगा, ए माइनर का ए होगा, एफ मेजर का एफ होगा। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर बिगनर्स को उस चीज़ का नहीं पता और वो फुल थ्योरी में नहीं एंटर करना चाहते, तो उनको एक बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझाना भी क्या, मैं बता देता हूँ बस क्या करना है। सी मेजर है तो फिफ्थ नोट फिफ्थ स्ट्रिंग से प्ले करना, बिकॉज अगर तुम देखो तो ई ए डी जी बी ई हमारी वायर्स होती हैं, हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे सी नोट बैठता है जब हम सी प्ले करते हैं। सो सी मेजर प्ले करने पर हमारा फिफ्थ पे हमारा रूट नोट है, सो लास्ट में इसका प्लग ज़रूर दे देना, लास्ट स्ट्रिंग का, बिकॉज ये बड़ी प्यारी लगती है। एक आप स्टार्ट क्योंकि बेस से कर रहे हो, तो लास्ट में एक टंग एक शार्प टोन हमारा एक देना अच्छा लगता है। सो हमारा कैसे रहा, जी जी का हमारा रूट नोट जी होता है, विच इज सिक्स्थ स्ट्रिंग पर। सो सी में फिफ्थ, जी में सिक्स्थ, ए माइनर में वापस फिफ्थ, क्योंकि अच्छा चलो ए माइनर से बताता हूँ। ए माइनर का रूट नोट ए हुआ, सो ई ए ई ए डी जी बी ई ऐसे स्ट्रिंग्स होती हैं। सो ई और ए, ए पर अभी देख रहे हो आप खाली है बिल्कुल, ठीक है। सो ए अगर खाली है तो कौन सा नोट बज रहा है, ए नोट बज रहा है, इसलिए फिफ्थ नोट फिफ्थ स्ट्रिंग का ये बजा देते हैं, ठीक है। सो ई ए डी क्या कह रहा था मैं, सी जी ए माइनर, ठीक है। सो ए माइनर का फिफ्थ स्ट्रिंग से और वापस एफ, एफ में वापस सिक्स्थ से, ठीक है। तो हमारा कैसे होएगा पूरा, आशिकी में प्यारी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में बह गया बस ख्वाब ही में, छूकर आया मंजिले तो तना था मैं वापसी में। सो गाइस कमिंग टू द सॉन्ग, अब गाने के अंदर हमारी सी जी ए माइनर एफ ही यूज होगी, विच इज द सिंगल पैटर्न ऑफ द सॉन्ग। तो इसको प्ले कैसे करना है, पहली दो लाइंस के लिए हम यानी एक पूरी लंबी लाइन के लिए सी मेजर रखेंगे, फिर जी, फिर ए माइनर, फिर एफ। कैसे, जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, ठीक है, पूरा सी मेजर, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, जी मेजर, फिर मजाक ही में बह गया बस खाक ही में, छू कर आया मंजिले तो तना था मैं वापसी में, ऐसे रहेगा पूरा गाना। ये पूरा ही गाना ऐसे चलता रहेगा। तो अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ लिरिक्स के साथ। तो लिरिक्स का सपोर्ट लेते हुए, कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में बह गया बस खाक ही में, छू कर आया मंजिले तो तना था मैं वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो कि रह गया था शक ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाए आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में, एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुम्हें मैं याद करूं, तुझे को सोच के लिखता हूं जो
लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूँ, मैं इस सवाल से गम को बदल दूँ खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ। फिर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बिछा जाल का मैं चाल चलूँ। एफ आई का लास्ट में, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा ले जा और खामोशियां मैं तेरे खातिर खुद की अपनी सांसें थाम लूंगा। तो यानी यार पूरा ही गाना, मतलब इस पूरे गाने को मैं नहीं गा सकता बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है, तो यार इसीलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हाँ आपका पूरा का पूरा गाना, इवन आंखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तुझे तू है कहाँ, तुझको देखा नहीं तू न जाने कहाँ छुप गया छुप गया, अरसा हुआ। सेम चलेगा एकदम, सी जी ए माइनर एफ सी जी ए माइनर एफ, यानी जो हमारा पूरे गाने में चल रहा था सेम वही प्लकिंग हमारी ऐसी चलती रही, रूट नोट को प्ले करा, लास्ट में आपने फर्स्ट स्ट्रिंग को दे दिया, फिर रूट नोट को प्ले करा, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर रूट नोट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से रूट नोट, फिर से फर्स्ट स्ट्रिंग। सी मेजर का फिफ्थ है, जी मेजर का सिक्स्थ है, ए माइनर का फिफ्थ है, एफ मेजर का सिक्स्थ है, यानी एक बार फाइव सिक्स फाइव सिक्स आपस में ये प्ले करना है जब जब कॉर्ड चेंज हो रही है, बाकी ऐसे चलने दो। सो गाइज यही हमारा गाना सी जी ए माइनर एफ के साथ पूरा का पूरा गाना फिनिश हो जाएगा। कहीं भी इशू है मेरे को बता देना, मैं इस गाने की बेशक वीडियो अलग से डाल दूंगा, बट लिटरली ट्राई इट, ये ऐसा ही है। इस गाने में एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सी जी ए माइनर एफ के अंदर पूरा का पूरा गाना सिमट रहा है। आपका कहीं भी हाई लो कुछ भी चल रहा है, अगर आपका कहीं भी पिच हाई एंड लो कहीं भी हो रहा है, जैसे नोट्स इसमें कहीं पर आ गए, जब तू है कहाँ वाला आएगा तो थोड़ा सा हाई गाया गया उसको, बट बिलीव मी एकदम सेम चल रहा है। सेम इसी सॉफ्ट स्ट्रमिंग को प्ले करते रहो, पूरा गाना बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रमिंग में एंटर करोगे ना नहीं पसंद आएगा, मतलब स्ट्रमिंग के लायक ये गाना वैसा है नहीं, मतलब प्ले करने को प्ले कर सकते हो, जैसे के जब मैं हद से आगे बढ़ गया, के जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजा कहीं में, फिर मजा कहीं में बह गया बस का कहीं में, छू कर आया मंजिल तो दोनों था मैं वापसी में, मतलब ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, बहुत बुरा नहीं लग रहा बट बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा। सो आई वुड रिकमेंड कि हाँ इसको सिंपल रखो, सॉफ्ट रखो जितना रख सकते हो, और इस गाने की सुंदरता को खूबसूरती को तुम ज़्यादा बेटर तरीके से बाहर निकाल पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सॉन्ग तू है कहाँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। तो मैं चलता हूँ यार अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ अगर इस वीडियो को देख कर कहीं तुम सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर रहे हो सो नीचे सोशल मीडिया लिंक्स मेरे आ ही रहे होंगे, ठीक है, तो प्लीज़ उनको आ रहे हैं तो देख लेना और उसको फॉलो कर देना और मेरे को टैग ज़रूर करना ताकि मैं भी उसको अपनी स्टोरीज पे रिपोस्ट कर सकूं, जान सकूं कि हाँ देर आर पीपल हु आर लर्निंग फ्रॉम मी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।